अगली खबर में बात करते हैं नसरुल्लागंज की, जहां नगर क्षेत्र में भारत जोड़ो अभियान के तहत पदयात्रा की जा रही है। इसी के अंतर्गत ग्राम बड़नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा पहुंचे। उन्होंने भारत जोड़ो अभियान यात्रा को रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। इस यात्रा को पूर्ण बल देते हुए क्षेत्र के कांग्रेसियों द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्रों में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। वहीं ग्राम गोपालपुर से नगर नसरुल्लागंज तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा का समापन नगर के दुर्गा मंदिर चौराहे पर किया गया। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। क्या करेंगे भाई? देखिए, संपूर्ण भारत में हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर युवा जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 3800 किलोमीटर की पदयात्रा करने का संकल्प लिया। भौगोलिक रूप से आज हिंदुस्तान भारतवर्ष एक है, लेकिन जात के नाम पर, भेद के नाम पर, वर्ग के नाम पर, वर्ण के नाम पर भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विघटित कर चुकी है इस देश को, आज राहुल गांधी जी पूरे देश में ये संदेश देना चाहते हैं कि देश भारत जोड़ो और नफरत छोड़ो। नफरत छोड़कर हमको आज आपसी सामंजस्य प्यार इसने बढ़ाना पड़ेगा। पूरे देश में महंगाई बढ़ी हुई है, अत्याचार बढ़ा हुआ है, भाई को भाई से लड़ाने का कार्य किया जा रहा है। उसी तारतम्य में राहुल जी के संदेश को हर गांव में, गांव-गांव पहुंचाने के लिए गोपालपुर से नसरुल्लागंज तक ये पदयात्रा आज प्रारंभ हुई है। लगातार पिछले कई दिनों तक हमारे युवा साथी पूरे पदयात्रा करते आए थे, लेकिन ये मूल जो हमारा मार्ग है, इस मार्ग से हम ये संदेश देना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी की यात्रा नितान्त आवश्यक है। भाई को आज भाई से जोड़ने का कार्य हमारी पार्टी कर रही है, और इस देश में सबसे ज़्यादा अमन, तरक्की और भाईचारे की जरूरत है। कांग्रेस